पांच वर्ष तक बाल्य, पांच से दस तक पौगंड और दस के बाद कैशोर, कैशोर उसके बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। कुमार जी 15-16 साल तक कुमार रहते होंगे, कहा जाता 15-16 साल की उम्र तक। अच्छा, किशोर 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 15 साल तक। अच्छा, और ये जो कुमार शब्द आता है ये कहने के लिए? कुमार माने सब जगह होता होता है, पौगंड भी कुमार है, लड़का भी कुमार, लड़का है उसकार कुमार के माने लड़का। हाँ, नंद कुमार बस। हाँ। चाहे वो जितनी उम्र हो जाए, लीला क्षेत्र में पौगंड लीला तक कुल है जी, 10 साल तक जी ब्रज में रहे उसी को लीला कहते हैं जी, और गोलोक में सदा किशोर रहते हैं। हाँ। वो उनका नित्य स्वरूप है किशोर जी, 15 साल के जी, उससे अधिक उम्र नहीं होती ठाकुर जी जी, लेकिन रहने को तो अनादिकाल से अब तक है। हाँ, और यहाँ भी सैकड़ों वर्ष रहे इंडिया में भी जी जी, लेकिन 15 साल से अधिक शरीर नहीं बढ़ा, बढ़ा उतना दिखाई देता है, लेकिन लीला रस जो है वो पौगंड तक है बस, बाल्य पौगंड जी। ये जो रामायण में कहा यह है कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण के लिए कहा ना, तो कुमार का मतलब हम लोग 15-16 साल की उम्र तक समझते थे, नहीं तो लोग बहुत से कुमारे कहते कि रामचंद्र ने झूठ कैसे बोल दिया, शादी हो चुकी थी, या कुमार मोर लघु भ्राता। नहीं, वहाँ कुमार माने कुमार ही है। अच्छा, मजाक किया। अच्छा, कुमारा है, मजाक में कहा था, यानी बिना शादीशुदा था, बीवी नहीं दिखाई दे रही साथ, इसलिए कह रही। अब हमारे साथ तो श्रीमती है, हम कैसे कहे कुमार है, उनने कहा है हमारा छोटा भाई है, ये कुमारा है, इसे ब्याह कर लो। मजाक में कहा था। द्वापर में जैसे इतने साल रहे हो, द्वापर में 15 साल के हमेशा रहे, उम्र उतनी शरीर होती, लोग आश्चर्य नहीं करते थे कि ये ऐसा क्यों है? नहीं, लोग तो उनको अलग अलग ढंग से देखते थे, देखने वाले जो है वो मल्ला नाम निर्मृणाम नर्मरास्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम चित्रपुजाम शास्तासु पित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्त्वम परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवते विदितो रंगंगतस्ताग्रजा। जैसे रामायण में है ना, विदुषण प्रभु विराट में दिशा, किसी ने कैसा देखा, किसी ने कैसा देखा राम को, तो वो देखने वालों की तो अपनी दृष्टि के अनुसार ब्रह्म दिखाई पड़ता है। जिस क्लास के हम हैं, जैसी हमारी बुद्धि है, अंतःकरण की जो अवस्था है उसके अनुसार दिखाई पड़ते हैं, यहाँ तक कि हजारों भुजा हजारों मुख दिखाई पड़ते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बूढ़े, कुछ लोगों को जुआ, कुछ लोगों को बच्चे, सबको अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ते हैं। उस दिव्य चिन्मय देह में यही वैलक्षण्य है, और एक दूसरे से लड़ते हैं। वो कहता है ऐसा शरीर है, देखो दूसरा कहता है अंधा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है जी। ये तो ब्रजवासी लोग सब महापुरुष थे, ये तो एक के तरह से देखते थे। अब 10 वर्ष तो वहां रहे, उसके बाद मथुरा चले गए, वहां से द्वारका चले गए। ये तो उनका नित्य शरीर का ब्रज लीला का वर्णन है, और वैसे तो वृद्ध बन जाए कुछ नहीं, वेद में है त्वम स्त्री त्वम उमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन बंचत, वेद मंत्र है। तुम स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, जवान भी बन जाते हो, कुमार भी बन जाते हो, और बूढ़े बन करके हाथ में डंडा लेकर के दंडेन बंचत और संसार को ठगते हो। उनके ऊपर किसका शासन है? करे, अरे जब सिद्ध महापुरुष सब प्रकार के नाटक कर सकता है, योगी लोग कर सकते हैं, तो भगवान के लिए कहा आवश्यकता हुई वैसा कर दिया। कहीं वृद्ध बन के जाते हैं, कहीं भिखारी बन के जाते हैं, कहीं कुछ बन के जाते हैं, भक्तों के पास सब तरह का लीला की है उन्होंने।
लेकिन जब तक अधिकारी न हो जीव तब तक उनके शरीर का कोई रस नहीं मिल सकता उसको। जिस क्लास का होगा उसी क्लास का रस मिलेगा। थोड़ा अंतःकरण शुद्ध है तो थोड़ी विशेषता मालूम पड़ेगी उनके शरीर में, और अंतःकरण शुद्ध है तो और अधिक विशेषता मालूम पड़ेगी। तो सबसे अधिक वास्तविक विशेषता किशोरी जी को मालूम पड़ती है, उससे नीचे फिर 90% ललिता विशाखा को, फिर उससे नीचे सखाओं को, उससे नीचे दासों को। तो अलग अलग क्लास के अनुसार रस मिलता है भगवान के शरीर से। उनका शरीर का बड़ा लंबा विस्तार है, क्या करोगे इतना बारीक समझ के। लेकिन दो प्रमुख हैं, एक प्राभव शरीर एक वैभव शरीर। और प्राभव में भी दो है, एक प्राभव प्रकाश, जिसमें शरीर भी चेंज न हो और कोई श्रृंगार भी चेंज न हो, कलर भी चेंज न हो, तो प्राभव देह है। और प्राभव प्रकाश उसे कहते हैं कि एक ही रूप रंग श्रृंगार सबसे युक्त लाखों करोड़ शरीर बना ले। जैसे महाराष्ट्र में और शादी में अपने 16,000 रूप धारण करके द्वारिका में दो जगह प्राभव देह प्रकाश किया है ठाकुर जी ने खासतौर। और वैभव प्रकाश जो है उसमें शरीर का रंग चेंज हो जाता है और शक्तियां सब वही रहेंगी, शरीर का रंग बदल लेते हैं, श्रृंगार बदल लेते हैं, हथियार बदल लेते हैं, उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। और बाकी श्री कृष्ण में जो है सब उससे भी रहेगा, वो है बलराम। शरीर का रंग बदल लिया, हल्दर हो गए, मुरलीधर की जगह। ये वैभव प्रकाश है। वैभव प्रकाश और प्राभव प्रकाश का जो शक्ति संतुलन है वो एक सा रहता है, लेकिन रंग और श्रृंगार ये सब बदल जाता है। ये है स्वयं रूप श्री कृष्ण का। और तदेकात्म रूप एक होता है, जैसे महाविष्णु नारायण है, चार भुजा वाले वैकुंठ के अध्यक्ष और द्वारिका के हैं और मथुरा के हैं। अब मथुरा के, द्वारिका के, वैकुंठ के, ये सब तदेकात्म रूप हैं श्री कृष्ण के। और एक होता है आवेश रूप, जैसे बुद्ध भगवान थे, तो बुद्ध का शरीर तो मनुष्य का था लेकिन उसमें भगवान का आवेश हुआ था पूरे टाइम। इसलिए शक्तियों के साथ, ऐश्वर्य शक्ति के साथ, कल की अवतार आगे होगा उसमें भी आवेश होगा, शरीर साधारण होगा मनुष्य का। और बाकी अवतार जो है वो शरीर भी अलौकिक और भगवान भी अलौकिक। ये तीन प्रकार के स्वरूप होते हैं, स्वयं रूप में प्राभव और प्राभव प्रकाश और वैभव, और तदेकात्म रूप में सब हैं सारे अवतार। और नारायण, द्वारिकाधीश, मथुराधीश, ये सब हैं उसमें। तो भगवान के स्वरूप में कोई गिनती नहीं है और न कोई प्रतिबंध है, वो जिस तरह का जब चाहे तब बन जाए। लेकिन किसी भी रूप में उस रूप का पूरा लाभ मिलेगा पूरे अधिकारी को। असली पॉइंट ये है, वो लाख आए खड़े हो जाए या किसी पर जाए हम पे, लेकिन हमको फीलिंग जो होगी रस की वो हमारी लिमिट के अनुसार होगी। ये न्याय है उनका। अब वो कहते हैं भाई एक महापुरुष इतनी मेहनत करके हजारों जन्म
और महापुरुष बना वो मेरा दर्शन कर रहा है और एक घोर मक्कार कर रहा है, दोनों को बराबर रख देते थे। तो जाती रही भावना जैसी। बड़ी बारीक बातें हैं, उनको हम समझाते नहीं है कि क्या काम कह रही तुम लोग। मैं चैतन्य महाप्रभु का भी आए पावलता अवतार दो हैं बस, जो 25 अवतार खास हैं उनमें ये दो हैं, और वैसे तो सभी महापुरुषों में भगवान का आवेश होता ही है, लेकिन सृष्टि के ऐश्वर्य वगैरह कार्य के लिए तो दो अवतार उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया था, बुद्ध ने भी और कल्कि भी छोड़ देंगे, सुनने में भी कोई कायदा नहीं है, महापुरुष भी चाहे तो शरीर छोड़े चाहे न छोड़े, भगवान के तो छोड़ दो। तो भगवान का भी एक अवतार ऐसा है, शरीर छोड़ दिया, विश्वास बताओ। अरे खेल करना है, ये तो पिक्चर में होता है, अलग अलग ढंग से लीला करना है। लीला मैंने चाह तो भी हम लोगों को ठगना है, कैसे ही ठगे परम नजर पर कोई। हिस्ट्री में एक नारद जी हुए हैं जिन्होंने चैलेंज किया है, तो बेचारे बंदर हो गए। यहाँ तक कह डाला मरी हो जाए। मर जाए। अरे सांप की तो कोई बात नहीं है, सांप तो भगवान को देव चाहे संतों को देव, आपस में संत लोग भी दे लेते हैं सांप। लेकिन मरी हो प्रभु, मरियो का मतलब ये कि मारूंगा या मैं मर जाऊंगा। मरियो बाकायदा मार टालने की बात हो रही है भगवान को। अरे हाथ पैर से मारने की बात क्यों होगी, वो तो सापक हो जाएगी। वो तो हो तो जाएगी। मैं समझ रहा था कि अब मैं या तो मैं मर जाऊंगा अपने मरने की सुसाइड करने की बात। नहीं मैं कैसे मर जाऊंगा, खबर लूंगा उनकी कि मैं मर जाऊंगा। शर्म के मारे मर जाता ना, गलती तो उन्होंने किया है शर्म के मारे, और मर्म का मैं तो कहते या तो मारूंगा या तो मरूंगा। हाँ ये हो सकता है कि कोई ये अर्थ करे कि मैं यू मैंने झापड़ लगाएंगे। लेकिन मार डालने को ही यहाँ पे लिखा है। जब दिमाग खराब होता है माया के द्वारा तो फिर मनुष्य क्या बोलता है कुछ कंट्रोल ले जाए उसका कुछ हिसाब नहीं है। उसी डाक में शुरू शुरू में लिखा है ना कि हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिना ही कहत कछु अघटित नहीं। कुछ भी कह सके। माया के अंदर में आदमी है तो काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, उस समय वो क्या बक जाए इम्पॉसिबल भी सब बातें बोल जाता है वो। तो क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात सुबिभ्रम, भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणस्य। सिद्धांत गीता का क्रोध हुआ तो जो उसकी बुद्धि वर्तमान काल में है कितनी लिमिट की है, थोड़ी है तो भी गई क्रोध में, अपने बाप को गाली देगा, मां को गाली देगा। अब बाद में जब बुद्धि नॉर्मल हो गई, क्रोध चला गया, तो मैंने बड़ी बेवकूफी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अगर गलती भी किया था बाप ने तो हट जाते वहां से, छोटा है बाप में। लेकिन उस समय तो बुद्धि जब नष्ट हो गई तो फिर क्या है, जइयो सांप के मरियो जाई के आगे भी कुछ कह सकते थे। लेकिन ऐसा देखती हूँ नारद जी भी भगवान के अवतार हैं,
शनकादिक भी भगवान के अवतार है, लेकिन ऐसा नाटक है कि हमको अज्ञान आ गया। जैसे परशुराम राम का नाटक रामायण में दोनों अवतार है। अब कोई अवतार ऐसा नहीं है जो मायाबद्ध हो जाए। अरे महापुरुष एक बार भगवत प्राप्ति के बाद कभी मायाबद्ध नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो फिर भगवान का सवाल ही नहीं हो, तो भगवान का अवतार है। लेकिन जीव कल्याण के लिए सब प्रकार की एक्टिंग करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे भगवान भगवान से, महापुरुष महापुरुष से, महापुरुष भगवान से, कि पढ़ने वाला समझे कि अज्ञान है इसमें। राम कौन के? वो पूछा था ना उन्होंने, भरद्वाज ने पूछा था रामायण शुरू करवाने के लिए कि बताओ तो राम ये बोलिए दशरथ के लड़के यार कोई और। अरे पग पग पर है भरद्वाज के यहाँ। वाल्मीकि ने पूछा हमें कोई ठहरने की जगह बता दो। उन्होंने कहा इनको अब करारा जवाब देना चाहिए। उनने कहा अच्छा तो ठीक है आप यहाँ ना हो तो बता दीजिए, वो जगह बता दीजिए तो ही हम बता दे कि जाकर ठहर जाओ। पार्वती जी ने नाटक नहीं किया था, पार्वती जी ने प्रश्न किए थे, पार्वती जी ने प्रश्न किए थे ना कि ये कैसे राम आए थे बोल रहे हैं पत्नी के लिए, तो वो भी नाटक ही था। सब नाटक। अरे पार्वती और भगवान राम और कृष्ण सब एक हैं, भगवाने के स्वरूप है। तभी ऐसा होता है कि जैसे एक आदमी है, मान लो बहुत बड़ा विद्वान है, एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है, अपनी बीवी से बात कर रहा है, अपने नौकरों से बात कर रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, अपनी माँ से बात कर रहा है, तो अलग अलग ढंग से उसकी योग्यता प्रकट हो रही है। और जब असली योग्यता की बात करेगा तो वो रूप अलग होगा। तो ऐसे ही सृष्टि में जब जैसी आवश्यकता पड़ती है उतनी शक्तियों को प्रकट करते हैं भगवान के अवतार। तो जिस अवतार में मामूली शक्ति प्रकट हुई है उसको हम कह देते हैं कि भगवान का थोड़ा स्वरूप है इसमें। है नहीं थोड़ा स्वरूप, है तो पूर्ण। कोई भगवान का सही पता नहीं होता, एक बटे चार भगवान, एक बटे आठ भगवान। लेकिन वो शक्ति जो प्रकट होती है वो अलग अलग लिमिट में होती है, जब जब जैसी जरूरत पड़े। घर भाई एक पहलवान को लेट्रिन जाना है एक लोटा पानी ले जाएगा, लेकिन जब बेट उठाने की कंपटीशन की बात आएगी तो वहां पर वो एक क्विंटल उठाता है। तो ऐसे ही ये अवतारों का चक्कर है। मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है कि परशुराम हार गए राम से। वो कमजोर भगवान है। राम बलवान भगवान है। वेद व्यास सब भगवान के अवतार है। अरे वैसे तो महापुरुष भी सब भगवान के बराबर हो ही जाते हैं, लेकिन लीला में सब नाटक होता है।